अय्याश सरफिरे जंगल राज की मानसिकता वाले अरब स्पेशली मैं तो डरता नहीं, नाम लेने में डरता नहीं, चाहे वो सऊदी हो या यहूदी हो। सऊदी अरब के चंदों पर संगठन बनाकर अमन और शांति को भंग करने वालों, तुम्हारे पास हो सकता है दावा कि दीन है धर्म है पर नमूना नहीं है, थ्योरी है क्रिटिकल नहीं है। मुसलमान कहलाने वाले, नॉट माय पॉइंट, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूं, कहलाने वाले बड़ा बड़ा दारू मिलूम है, आए दिन आपको उभारते रहते, जज्बात हर आदमी में होता है लेकिन जज्बात रहे जज्बातियत नहीं, जोश होश में रहे। आपको उभारा जाता है लॉ एंड ऑर्डर, तोड़ गालो पत्थर मारो, ऐसे लोगों से पूछो कि तेरे पास धर्म है आइडियल कौन, ये भारत महान है, पहचानता निशान है, वो क्या जाने जो बेईमान है, ये हिंदुस्तान है और कितना महान है। जो भी बाहर से आया तीन किस्म के है, मेरी थ्योरी में बढ़ गया, एक वो आए जिन्होंने लूटा पाटा और चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया पूरे भारत को कब्जा किया और लूट पाट के वो भी चले गए, एक बाहर से वो आया जो यहाँ का वातावरण देख के ऐसा प्रभावित हुआ कि यहीं रह गया और यहीं का हो गया, मगर आया था जमीन के लिए। इस तरह दो किस्म के मुसलमान बाहर से आए, इतिहास जानना जरूरी है बदलना जरूरी नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भारत की पवित्र धरती पर बाहर से दो किस्म के मुसलमान आए, दोनों अलग अलग हैं, एक ही परिवार में एक अकीदे के नहीं होते, रावण और है भाई कुछ और है, ये भीषण को भी रावण कहोगे तो क्या, जब एक ही परिवार में दो विचारधारा हो सकती है तो बाहर से आने वाले मुसलमान दो टाइप के नहीं हो सकते, एक आया जमीन के लिए तलवार लेके आया तोप लेके आया सेना लेके आया, उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते, सबसे पहले मुसलमान से लड़ा इब्राहिम लोदी से फिर राणा सांगा से, इसलिए विस्तारवादी है, अपनी सत्ता को विस्तार देना है, जमीन के लिए आया, तलवार लेके आया, गदने काटता हुआ आया, खून बहाता हुआ आया, इंसानों की जानें लेते हुए आया, दिल्ली तक पहुंचा जमीन के लिए, तो जो जमीन के लिए आया
उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। इस्लाम न बाबर ने न बाबर के बाप ने, इस्लाम फैलाया, दीन को फैलाया तो बगदाद में पहुंचा तो मोहिउद्दीन, अजमेर में आया तो मोइनुद्दीन, और नागपुर